रामपुर के मिलक थाना क्षेत्र में ईंट भट्ठे के तालाब में नहाने गए ममेरे फुफेरे भाई डूब गए, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और निजी गोताखोरों की मदद से किशोरों को तलाश किया गया, लेकिन देर शाम तक दोनों का पता नहीं चल सका। वहीं परिजनों ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कोतवाली का घेराव कर दिया। जानकारी के मुताबिक मिलक थाना क्षेत्र के मोहल्ला वसीर नगर निवासी सुनील गोस्वामी का 16 वर्षीय बेटा विशेष और वीरपाल का 12 वर्षीय बेटा प्रिंस मंगलवार दोपहर करीब 1 बजे घर से निकले थे, जिसके बाद दोनों रेलवे क्रॉसिंग के पास स्थित कादरी ईंट भट्ठे में बने तालाब में नहाने पहुंच गए, जबकि उनके कुछ साथी बाहर रहकर खेल रहे थे। लेकिन शाम 4 बजे तक जब दोनों तालाब में कहीं नजर नहीं आए तो साथी कपड़े और चप्पल लेकर दोनों किशोरों के घर पहुंचे, जिसके बाद आनन फानन में परिजन तालाब पर पहुंचे और दोनों की काफी तलाश की, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। इससे घबराए परिजनों ने घटना की सूचना तहसील प्रशासन और पुलिस को दी, जिस पर तहसीलदार राकेश चंद्रा और एसएसआई अजयपाल सिंह मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से पूरे मामले की जानकारी ली। देर शाम तक पुलिस लाइन से गोताखोर नहीं पहुंचने पर परिजनों ने प्रशासनिक अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मिलक कोतवाली का घेराव कर दिया। इसके बाद परिजन एसडीएम आवास के बाहर बैठकर हंगामा करने लगे। आखिर में अधिकारियों ने दो निजी गोताखोरों को बुलाकर तालाब में डूबे किशोरों की तलाश शुरू कराई और परिजनों को किसी तरह शांत कराया। भैया कौन आशीर्वाद भैया स्वागत।